क्या लगता है मिल जाएगी कि नहीं अर्जी? अब तो देखिए हमारे नहीं लगता है जमीन, नहीं लगता होता नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है। क्या क्या सोचा आपने आज तक? नहीं हुआ बहुत कुछ सोचा है, कुछ भी नहीं हुआ। आयल बने बाबा से भेंट कर रहे हैं, बाबा से दर्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं, नाराज होकर चलिए गया परिवार से, पूरा परिवार नाराज है। हम ये भी रोके चले गए, आज जाते हैं बाबा से जरूर दर्शन, बाबा के लगे भी जाएंगे बागेश्वरनाथ धाम भी जाएंगे। और आज से चली आई बिना खाए पिए, साहब को गाना भी नहीं मिलेगा। घर से निकले अनिरुद्धाचार्य जी हमारे मायके है आसनसोल, वहाँ जाने के लिए हम निकले, लेकिन बलिया सियालदह ट्रेन 4 घंटे लेट थी, बस हम हाजीपुर का टिकट कटाए और आ गए। बिहार में है, बिहार का ये नौबतपुर है, नौबतपुर में बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी का आगमन होने जा रहा है। अब किसकी अर्जी लगने वाली है ये जानना बाकी होगा। फिलहाल हमारे बीच में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और पीछे बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, यहीं पर बैठ करके धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी लोगों को ज्ञान देंगे, लोगों को बताएंगे और सबकी पर्ची निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पे महिलाएं हैं, लोगों से जानते हैं महिलाओं से सिवान जिला बिहार 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 में तो यही पड़ता है, बिहार में पड़ता है जनता बाजार के लगे सिकटिया। अच्छा, जब घर से निकली होगी तो क्या सोच कर निकली है? बाबा से दर्शन करने के लिए। अच्छा, और यही सोचिए बाबा से दर्शन करेंगे, कुछ कहेंगे, अर्जी लगेगा लगेगा। अर्जी में क्या लग रहा है, क्या दुख रहेगा आपका, तो लोग बता देंगे। हम लोग देखिए, हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया के जरिए, लोग जानेंगे कि आपने क्या बताया है और वो क्या बताते हैं। देखिए सुनते हैं, यही कोई काम सुनते हैं होता नहीं, नहीं होता है, नहीं होता। क्या क्या सोचा आपने आज तक? नहीं हुआ बहुत कुछ सोचा है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब बाबा की दया होगा कि नहीं? बाबा का दया हो जाएगा तो लग रहा है कि हो जाएगा। अब देखिए बाबा से क्या लगता है, मिल जाएगी कि नहीं अर्जी? अब तो देखिए हमारे नहीं लगता है जमीन, नहीं लगता लेकिन फिर भी विचार है मन में, अंदर से मैंने बाबा के सोच के चले, सोच के चले हैं। अच्छे से सोचेंगे तो जरूर मिल जाएगा, अच्छे से नहीं सोचेंगे तो नहीं मिलेगा, यही सोच के चले। यही सोचिए कि आज हमको चलना है, दर्शन करना है। घर से गुस्सा में चल रहे हैं, गुस्सा नाराज होकर चलिएगा परिवार से, पूरा परिवार नाराज है। हम ये भी रोके चले गए, आज जाते हैं बाबा से जरूर दर्शन करेंगे। तो घर वाले क्या बोल रहे थे कि जाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बोला फोन पर भी बोल रहा है चलिए, हम यहाँ बाबा के लगे जाएंगे तो जाएंगे। घर वाले जाके नहीं मिलेगा खलवा तब क्या होगा? नहीं मिलेगा तब बाबा है, बाबा के दया है। कहाँ कहाँ बाबा के साथ साथ जाएंगे? देखिए अगर सही दिल से जाएंगे तो जरूर बाबा जाएंगे, अगर दिल से नहीं जाएंगे तो बाबा नहीं जाएंगे। कितने दिनों से श्रद्धा आपके दिमाग में? इनके दिमाग में मोबाइल पर देखा तब बाबा बहुत शक्तिशाली है, वही देख के मेरे पूछे थे बाबा के लिए दर्शन करते जाए। ये सोची उसके बाद मन लगा के हम जाना है, मन लगा के एकदम बाबा ने दिल किए थे बाबा के लगे भी जाएंगे बागेश्वरनाथ धाम भी जाएंगे। और आज से चली आई बिना खाए पिए, साहब को गाना भी नहीं मिलेगा। तो यही सब व्यवस्था बिछा लेना है, सबसे पहले दर्शन हो जाए। अच्छा, दर्शन मिल गया तो घर जाकर क्या बताएंगे? घर जाके बताएंगे, घर तो आप भी देख लिया, सब कोई मोबाइल पर देखता है, तो आज ये तो आप कर दिया, अब हमारे गांव वाला बुला के पहुँच गई है, दर्शन हो गया बाबा का। ये बहुत ही दिल खुश है महिला है, और आपको बता दूं कि यहाँ आई है बाबा जी का दर्शन करने के लिए। विचार था मन में, आप कहाँ से आई हैं? छपरा के। आप क्या सोच कर आई हैं? हम तो सिर्फ दर्शन करने हैं, बस कोई दिल में सच्चे दिल से सिर्फ दर्शन, किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, कोई अर्जी नहीं लगानी है। और वो भी बुला लिए बाबा, नहीं तो हम तो निकले थे आसनसोल। कैसे बुलाए थे? सुनिए, हम घर से निकले अनिरुद्धाचार्य जी हमारे मायके है आसनसोल, वहाँ जाने के लिए हम निकले, लेकिन बलिया सियालदह ट्रेन 4 घंटे लेट थी, बस हम हाजीपुर का टिकट कटाए और आ गए। ये कमाल की चीज है, निकल रही थी माई के और बाबा जी का नाम पर ही बाबा जी का दर्शन करने के पहुँचेंगे लोग, गरबा तो क्या होगा? अभी फोन कर दिए घर पे कि हम आ गए बागेश्वर, बागेश्वर धाम, और नहीं जाएंगे अपने माई के जाएंगे। बाल बच्चा ये तो गलत बोला, बाल बच्चा से मतलब नहीं, बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा, भगवान खिलाएंगे, बाबा भी खिलाएंगे, बाबा के लगे आए हैं तो बाबा जरूर आहार देंगे। ये तो भाई ये बना दिया इन्होंने, कहा कि बाल बच्चों से मतलब मत रखिए, आदमी से मतलब ना रखिए तो फिर परिवार वाला कहेगा चलो भैया जाओ पुजारण बनो, साफ दूर मन लगाएंगे। हाँ।
अपना मन लगाए पुजारी बनने के लिए। वाह क्या बात है। आप कहाँ के रहने? सिवान जिला से। सिवान जिला वही सिवान जिला है जहाँ पे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हीं के शहर से हैं। और ये आई है छपरा से, बिहार से, और बिहार में भी हम लोग गौतम स्थान। अच्छा, अहिल्या बाई का जहाँ से तर्न हुआ था अपना। अच्छा, अहिल्या के बारे में कितना जानते हैं? अहिल्या के बारे में क्या सुना आपने? पत्थर की हो गई थी शिला, वो राम जी के चरण पड़ते नारी बन गई। वही वही मेरा गांव है। अच्छा, एक बात बताइए, आज तो आ गई, कब जाएंगे? हम तो दो दिन में लेकिन चले जाएंगे, फिर अनिरुद्धा चार्ज करेंगे। यहाँ पर तीन दिन? अच्छा, उनके पास भी जाएंगे? वहाँ जाएंगे। आप कब जाएंगे? हम जाएंगे मंगलवार। बोल दीजिए लोगों का, आप सोचे ना कोई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फोन से बात कर लिया। अच्छा, फोन से बात कर लिया। चलिए, देखने वाले लोग कहेंगे आप लोगों से कि ये तो भाई चोरी चोरी चली आई है, आप परेशान ना करिए, यही सही जगह पहुंची है, बाबा के दरबार में पहुंची है, और दर्शन करके जाएंगी, इनकी अर्जी लग भी जाएगी। दुआ करेंगे हम लोग भी, कोशिश करेंगे। कहाँ से? गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला से तो आए। बड़े का सोच के मन में आए? माइल बने, बाबा से भेंट कर रहे हैं, बाबा से दर्शन कर रहे हैं। कैसे बाबा के बारे में पता चलो? बाबा के हमने के वीडियो न्यूज से देख ले वाली सब। अच्छा, बाबा से हमने के दर्शन हो जाए तो सब। अच्छा, एक बात बता, जब घर से चली तो किसको किसको लेकर चली? अपने हम बेटे को लेकर चली। हस्बैंड जी नहीं आ रहे थे क्या? हस्बैंड जी हमारे। अच्छा, वो नहीं, मतलब परिवार और लोग नहीं आ रहे थे? गाँव से और कोई आया? नहीं आया है। अच्छा, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भतीजी, सब लोग आया है बाबा का दर्शन। बाबा का दर्शन, बाबा का दर्शन करेंगे। क्या बताएंगे घर पर जाकर? जाके बताएगी हमारे बाबा दर्शन दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, दुख दर्द दूर गए हैं। दुख दर्द दूर हो जाएगा? हो जाएगा, पक्का पक्का। विश्वास है? विश्वास करके ये होने चाहिए बाबा। विश्वास पर कोई चलेगा? विश्वास से पन चला है दुनिया। विश्वास पर चलते हैं सब। सही बात, विश्वास नहीं रहेगा तो कहाँ से। फिलहाल कैसी बातचीत लगी है इन लोगों की, क्योंकि ये लोग बाबा बागेश्वर धाम के उस पंडाल में बैठे हुए हैं जहाँ पर कि धीरेन्द्र किशोर शास्त्री जी बैठ करके लोगों को अपनी बातें बताएंगे, लोगों को ज्ञान बांटेंगे। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए हर रोज सत्ता एक्सप्रेस में। नाराज होकर चलिएगा परिवार से? पूरा परिवार नाराज है, हम अभी रोक के चले गए, आज जाते हैं बाबा से जरूर दर्शन करेंगे। तो घर वाले क्या बोल रहे थे कि जाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बोला फोन पर भी बोल रहा है चल गया। हमने हाँ बाबा के लगे जाएंगे तो जाएंगे। घर वाले जाके नहीं मिलेगा, खलवा तब क्या होगा? नहीं मिलेगा तो बाबा हाय, बाबा के दया हाय। कहाँ बाबा के साथ?